हेलो क्राफ्टी पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है चावल के चीले। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है और ये बहुत ही जल्दी से और आसानी से बनने वाली रेसिपी है। सबसे पहले हम इसे अच्छे से धोकर आधे घंटे भिगोकर रख देंगे और बाद में इसका सारा पानी स्ट्रेन कर देंगे। हमें इसमें चॉप किया हुआ प्याज और टमाटर चाहिए और साथ ही मसालों में आधी चम्मच काली मिर्च, एक चम्मच नमक, चौथाई चम्मच लाल मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। सबसे पहले हम चावल को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर उसे पीस लेंगे। पीसने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। हमें इसे डोसे के घोल से थोड़ा सा पतला रखना है। मैंने इसमें 1/4 कप पानी डाला है। देखिए हमारे घोल की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। घोल में कोई भी दाना नहीं होना चाहिए, वो अच्छे से पिस जाए। अब हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज और टमाटर मिला देंगे। आप कोई और भी वेजेज इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च और कस्तूरी मेथी मिला देंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें राई का छौंक और चाट मसाला भी मिला सकते हैं। लास्ट में हम इसमें आधी चम्मच इनो डालेंगे और उसे अच्छे से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स कर देंगे। देखिए इनो की वजह से इसके ऊपर कितने सारे बबल्स आ चुके हैं। अब ये तवे पे डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस पर तवा रखकर गैस ऑन कर लेंगे। तवे पे थोड़ा सा घी डालेंगे और उसे चम्मच की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद भी हम उस घी को कपड़े की मदद से पोंछ लेंगे। इससे तवा में चिकनाहट आ जाएगी और हमारा चीला आराम से बन जाएगा। हम इसे ज़्यादा स्प्रेड नहीं करेंगे, बस इसमें सिमेट्री ले आएंगे। देखिए हमारा चीला ऊपर से हल्का हल्का सूख चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा चीला नीचे से सिक चुका है। अब हम इसे पलट देंगे। तो लीजिए हमारा ये हेल्दी एंड टेस्टी चीला तैयार है। हम इसे सॉस और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।